मोबाइल गेम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि YouTube ने अपने स्टूडियो है ना, YouTube स्टूडियो जिन्होंने अभी न्यू लॉन्च हुई है, तो उसे क्या किया गया, बेटा वर्जन पर भी बनाया गया। तो बेटा वर्जन की मतलब ये है कि जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन पर अगर काम चलते रहता है तो उसकी एक बेटा वर्जन बनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि मतलब कि उस पर अभी काम चल रहा है, उस पर अभी बहुत कुछ डालना, बहुत कुछ फंक्शन डालना, ये सारी चीज़ें जिस पर काम चलती हुई होती है उसे बेटा वर्जन कहा जाता है। तो YouTube स्टूडियो भी एक बेटा वर्जन अभी आई हुई है, जैसे कि आप अपने YouTube पे जा करके बेटा वर्जन देख सकते हैं, है ना। तो मोबाइल पे तभी मैंने देखा तो ओपन नहीं हो रही है, तो फिलहाल तो मैं आपको कंप्यूटर पे ही वही चीज़ अभी दिखाऊंगा कि वो कैसे ओपन हो रही है। तो जैसे कि अपन पहले जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये पता ही होगा कि यूट्यूब पर पहले एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एडिटिंग टाइप की यूट्यूब पे ही जब अपलोड करते हैं तो वहीं पे ही एडिटर बोल के एक ऑप्शन आता था, तो उसको बीच में हटा दिया गया था। लेकिन अब यूट्यूब स्टूडियो बेटा के नाम से अभी फिर से यूट्यूब ने अपनी डाली हुई है, तो इस पर अभी एक काम चल रही है, वो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुई है। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि पूरी कम्प्लीट हो जाए, है ना। तो दोस्तों एक और बात, अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी, है ना। और अगर आपको मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। और एक बात, मैं आपकी सभी कमेंट के जवाब आपको फ्राइडे के दिन दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन पूछे #फ्राइडे लिखे, और आपकी जैसे कि मोबाइल की प्रॉब्लम या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है मोबाइल के बारे में, तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम लिखिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम की सलूशन आपको सिर्फ फ्राइडे के दिन एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, उसमें आपकी सारी बातें बता दिया करूँगा, ठीक है। तो #फ्राइडे लिख करके आप अपने क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब स्टूडियो बेटा वर्जन के बारे में, तो चलिए फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। अपने को जो YouTube के एडिटर है जो आई हुई है न्यू वाली बेटा वर्जन पे, उसे हमको कैसे करके यूज करना है। तो जैसे कि अभी तो इसकी सिर्फ बेटा वर्जन है, बेटा वर्जन बोले तो सिर्फ ये इसमें अभी काम चल रही है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, उसको आप क्या बोलते हैं, अपनी बेटा वर्जन कहा जाता है। जिस पर आधी बनी हुई होती है, जो भी चीज़ अगर आधी होती है तो उसको बेटा वर्जन कहा जाता है, उस पर जो काम चलती हुई रहती है ना। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम अपने YouTube अभी ओपन कर लिए, करने के बाद आपको अपने माई चैनल पे जाना है, सॉरी क्रिएट स्टूडियो पे। क्रिएट स्टूडियो पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बेटा वर्जन आई हुई है ना। देखिए यूट्यूब स्टूडियो बेटा लिखी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बेटा वर्जन ऑन हो चुकी है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपने वीडियो पर क्लिक करें, देखिए दोस्तों जैसे कि मेरी वीडियो ऑन हो चुकी है ना। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक अपनी वीडियो ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी ये पहली वीडियो लेता हूँ। ये देखिए ये ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एडिटर के ऑप्शन है ना। यहाँ पे आप देखिए एक एडिटर के ऑप्शन आई हुई है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों जैसे कि एक एडिटर यहाँ पे पूरी तरह से चालू हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग की दी हुई है, यहाँ पे आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फोटो भी लगा सकते हैं, और अंडू रीडू और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अभी इस पर आधी काम चली हुई है, तो ये बेटा वर्जन है, यहाँ पे ट्रायल बेसिक पे है। ये अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपकी ये हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम पे जितने यूट्यूबर्स हैं उनको एडिटिंग के लिए सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये अच्छे से अगर बन जाते जैसे क्रोमा की है ना, जो भी अपन यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, अगर वो सारी चीज़ें अगर यूट्यूब अपने दे देती है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। हमें किसी और दूसरे एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यूट्यूब पे भी काम कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दिया है,
तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें, है ना। और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी। यार आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, उससे क्या होगा मेरी जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, है ना। तो जो ये था आपकी ये बेटा वर्जन है, तो अगर आपको देखना है तो आप अपने यूट्यूब पर जा करके इसे देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपने कंप्यूटर पर देख लिया कि बेटा वर्जन क्या चीज़ है, तो बेटा वर्जन का मतलब यही है कि उस पर आधी काम हुई है, कंप्लीट काम नहीं हुई है। हाँ, तो दोस्तों अगर आप ये सोचिए अगर YouTube ने अपनी कुछ ऐसी भी एडिटिंग वहाँ पर डाल दी, जैसे कि अपने जो काइन मास्टर या फिर हम कोई भी एक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो पावर वेव है ना, तो अगर उस तरीके से अगर क्रोमा की भी ऑप्शन अगर YouTube पर डाल दे तो हमें क्या होगा कि एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम YouTube पर भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेटा वर्जन का यूज कर सकेंगे, आने वाले टाइम पर शायद अपग्रेड करते जाए। उससे बड़ी बात यह है कि हम जो वीडियो स्टोर पहले डाल देते हैं, है ना, यानी कि अपलोड कर दिया करते हैं, तो उसमें क्या होता है अक्सर कि उस वीडियो को हम एडिटिंग नहीं कर सकते। तो अगर बाय द वे अगर ऐसे यूट्यूब ने कर दिया कि हम अपलोडेड वीडियो को भी एडिट कर पाए, यानी कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कर पाए, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस यही थी, तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आपको हर बार एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। और फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे। खुदा हाफिज़।